हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं इनखबर.com। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के एक शानदार अभिनेता, कायपोचे, एमएस धोनी और अब केदारनाथ, लगातार वो एक डिफरेंट तरीके के मूवीज करके बॉलीवुड में एक अपनी अलग पहचान बनाते जा रहे हैं। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की एक और आने वाली फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है। जी हाँ, फिल्म का नाम है सोन चिड़िया। सोन चिड़िया का पोस्टर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पान सिंह तोमर की याद आ जाएगी। जी हाँ, फिल्म लगभग वैसी ही है, चंबल के डकैतों पर कहानी है। लेकिन इसकी कास्ट की बात की जाए, बड़ा शानदार कास्ट है। सुशांत सिंह राजपूत है, भूमि पांडेकर है, आशुतोष राणा है, मनोज बाजपेयी है और आपको रणवीर शौरी है। मतलब बॉलीवुड के सारे बड़े टैलेंट आपको इस फिल्म में मौजूद है। और बता दें, आपको इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक चौबे। अभिषेक चौबे काफी ही आपको इंटेलिजेंट डायरेक्टर माने जाते हैं। उड़ता पंजाब आपने देखी, शाहिद कपूर की मूवी, उसे क्रिटिक्स ने कितना उसे फिल्म को पसंद किया। और उसके बाद आप जानते हैं जो इश्किया आई थी पहली वाली, जिसमें आपने अरशद वारसी नसरुद्दीन शाह को देखा था, और उसका सीक्वल देर इश्किया, दोनों ही आपको अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट किया है। वैसे आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत अपने काम के लिए काफी फोकस रहते हैं, तो और इस प्रोजेक्ट को लेकर वो काफी सीरियस भी है। आपको बता दें, उन्होंने अपने सारे ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है इस मूवी की शूटिंग से पहले। आपको बता दें, पूरी टीम आपको पहुंच चुकी है चंबल में, वहां पर वो जंगलों में रह रही है, वहां के लोगों से बात कर रही है। और खासकर आपको सुशांत सिंह राजपूत जल्दी पहुंच गए हैं और वहां के जो आप जानते हैं पहाड़े हैं और वहां पे जंगल है, जो वहां के लोकल हैं और जो उनकी भाषा है, जो बोली है, जो बोलने का तरीका है, उसे जानने और समझने की कोशिश करने के लिए वहां सुशांत सिंह राजपूत पहुंच चुके हैं। और उनका ये भी कहना है कि हर फिल्म के प्रोजेक्ट से पहले वो चाहते हैं, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बढ़िया प्रोजेक्ट है, तो मैं हर चीज़ से कट जाऊँ, पूरी दुनिया से कट जाओ और अपने कैरेक्टर पे फोकस करो। तो फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, अब देखना होगा कब तक ये शूटिंग चलेगी और 2019 में ये मूवी कब रिलीज होगी। तो लगातार हम बॉलीवुड की खबरों पे नजर बनाए रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।